आज हम आपको मशरूम की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। बटन मशरूम अब उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भी उगाया जा रहा है, साथ ही उत्तराखंड के किसानों में अब काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के किसान लगातार मशरूम उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिलीकोट उद्यान विभाग में मशरूम की किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। मशरूम का उत्पादन कैसे करें, बटन मशरूम किसानों के लिए कितनी मददगार साबित है और कैसे उससे किसानों को लाभ मिलेगा, इसके लिए एक बार में 35 से 40 किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमने मुख्य मशरूम विकास अधिकारी जगदीश चंद भट्ट से बात की। उन्होंने कहा, बटन मशरूम का उत्पादन बंद कमरों में किया जाता है, इसके लिए कमरे स्वच्छ और हवादार होने चाहिए। ऐसी बहुत सी जानकारी उन्होंने बटन मशरूम को लेकर हमको बताई। आइए आपसे साझा करते हैं वो जानकारी और आप सुनिए, बटन मशरूम का उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए, मशरूम बेसिकली एक फंगस है, जिसे हम अगर सीधे सीधे समझें तो कुकुरमुत्ता है, या हम अगर अपनी कुमाऊनी लैंग्वेज में देखें तो इसे च्यों कहा जाता है। आमतौर पर ये था तो वाइल्ड, लेकिन इस पर रिसर्च करने के बाद इसमें से कई प्रजातियां ऐसी निकली जो खाने योग्य थी। उनका लैब में टेस्ट करने के बाद जो खाने योग्य हैं, जिनको लोग अपने घरों पर सुगमता से कर सकते हैं, तो इस पर कई वैरायटी पर काम चल रहा है। बेसिकली इंडोडच मशरूम परियोजना चिलीकोट, ये 1991-92 से इसमें काम करना शुरू हुआ है। ये नीदरलैंड गवर्नमेंट और भारत सरकार के सहयोग से यहाँ निर्मित किया गया था, तो तब से लेकर आज तक अनवरत हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। हमारा जो पहला मकसद है कि प्रशिक्षण देना, फिर हम लगातार यहाँ पर प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को तैयार करते हैं। और चूंकि मशरूम एक बंद कमरे की फसल है, नियंत्रित तापमान पर ये किया जा सकता है, तो विशेषकर हम लोग जो प्रशिक्षण देते हैं, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम पर यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। इस वर्ष हम अब तक 683 लोगों को अब तक ट्रेनिंग दे चुके हैं, और ये निःशुल्क ट्रेनिंग है। इसमें हम अपनी ओर से कोई न तो शुल्क लेते हैं और न ही उनके ऊपर कोई हम खर्चा करते हैं विभाग की ओर से। स्वेच्छा से लोग आते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, या कुमाऊं मंडल के जितने भी जिले हैं, इवन गढ़वाल मंडल के भी नज़दीक के ज़िले के लोग अपने उद्यान अधिकारियों के माध्यम से या मोबाइल टीम के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, या हम तक इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम अपने यहाँ उनके नाम दर्ज कर लेते हैं। उनको फ़ोन कॉल करते हैं जब हमारा ट्रेनिंग का, हम देखते हैं कि 20-30-35 लोगों का एक बैच हमारा बन जाए, तो अपने ही केंद्र के सभागार में उनको कॉल करके यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं, या केंद्र से बाहर दूसरे जनपदों में भी हम जा करके वहाँ 30-35 अगर इच्छुक लोग हों जो मशरूम का व्यवसाय करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके भी हम ट्रेनिंग देते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।